हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो प्रोजेक्ट आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं वो लाईफाई के ऊपर है। इसमें क्या है, वायरलेसली लाइट के थ्रू हम अपने साउंड सिग्नल को ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। अभी हमने एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया आपको दिखाने के लिए। तो इसमें क्या होगा, ये ट्रांसमीटर मॉड्यूल है, यहाँ से लाइट के थ्रू, आयर लाइट के थ्रू ये रिसीवर है, रिसीवर पर जब वो लाइट पड़ेगी तो वो ट्रांसफ़र होगा सिग्नल, जो भी साउंड सिग्नल हम यहाँ पे माइक में या कुछ बोलेंगे या फिर हम कोई म्यूज़िक चलाएंगे तो यहाँ स्पीकर में हमें वो आवाज़ सुनाई देगी। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लाईफाई के ऊपर है, लाइट के थ्रू डेटा को या साउंड सिग्नल को ट्रांसफ़र कर। अभी मैं आपको पहले इसको चला के दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा, फिर मैं इसकी थोड़ी सी आपको वर्किंग समझा दूँगा। तो इसमें अभी मैं कोई म्यूज़िक प्ले करूँगा तो आप देखोगे वो म्यूज़िक लाइट के थ्रू किस तरह से ट्रांसफ़र होगा। अभी आप देख लेंगे स्पीकर में आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो साउंड थोड़ी इंक्रीज कर जो भी आप आवाज़ सुन रहे हो। तो अभी माइक में मैं कुछ बोलूँगा तो ये साउंड ट्रांसफ़र हमारी होती है यहाँ से कि नहीं। सबसे पहले तो इसकी एक रेंज हमें सेट करनी पड़ती है, ये एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, अगर ये रेंज में नहीं होंगे तो ट्रांसफ़र नहीं होगी। जैसे कि अभी मैं कुछ माइक में बोलूँगा, हेलो 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 हेलो, अभी आपको ऐसे पता नहीं चल रहा होगा, मेरी आवाज़ ऐसे भी सुनाई दे रही होगी। मैं स्पीकर के ऊपर कुछ कागज़ के टुकड़े डाल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि स्पीकर हमारा चल रहा है। अभी आप देखेंगे, हेलो 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 हेलो, वाइब्रेशंस हो रही हैं। अभी देखो मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा, अगर इसकी रेंज को ब्लॉक कर दूंगा, हेलो 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 हेलो। अभी आप देख रहे हो जैसे ही मैं हाथ बीच में लगा रहा हूँ तो हम मेरी साउंड ट्रांसफ़र होना यहाँ से बंद हो जा रही है। जैसे मैं अभी हाथ बीच में नहीं लगाऊंगा, हेलो 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 हेलो, इस तरह से हमारी साउंड ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये अगर मैं इसकी रेंज को भी थोड़ा भी हिला देता हूँ तब भी मेरी साउंड ट्रांसफ़र नहीं होगी यहाँ से। जैसे अभी अभी मैंने इसको इसकी रेंज से बाहर कर दिया तो मेरी साउंड ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। अभी जैसे ही मैं इसको रेंज में ला रहा हूँ तो मेरी साउंड ट्रांसफ़र हो रही है, आपको पता चल रहा है, वाइब्रेशन हो रही है स्पीकर के ऊपर और आपको आवाज़ भी बहुत लाउड सुनाई दे रही होगी। जैसे ही मैं इसको रेंज से बाहर करता हूँ तो मेरी साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रही स्पीकर में। तो इस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है हमारी साउंड लाइट के थ्रू। माइक में कोई आवाज़ करता हूँ, तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट काम करेगा। मैं इसका सर्किट का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको सर्किट को। यहाँ पे मैंने एक ट्रांजिस्टर यूज़ करा हुआ है, ट्रांजिस्टर यहाँ पे एज एन एम्पलीफायर यूज़ हुआ है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कनेक्ट करी हुई है जिससे हम इसकी गेन को सेट कर सकते हैं। तो ये माइक यूज़ करा है जिससे माइक की मैं हम कोई भी म्यूज़िक प्ले करेंगे या कुछ भी बोलेंगे, हमारा सिग्नल होगा वो इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होके ट्रांसफ़र होगा। वो कहाँ से, ये IR LED हमने यूज़ कर रखी है, तो ये जब भी मैं कुछ बोलूँगा इसमें तो ये सिग्नल लाइट के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। अब रिसीवर मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, तो ये हमारा रिसीवर मॉड्यूल है। रिसीवर में क्या होगा, ये हमने फोटो डायोड यूज़ करा हुआ है जो कि लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे हमने फिर से एक एम्पलीफायर के लिए ट्रांजिस्टर यूज़ करा है, एक वेरिएबल फिर से गेन सेट करने के लिए, और आगे स्पीकर आउटपुट की जगह पे लगा दिया। जब भी लाइट कोई रिसीव होगी IR से, यहाँ से ट्रांसमीटर से जो भी लाइट यहाँ पे रिसीव होगी उसको वो डिकोड करके और स्पीकर में चला दे। तो इस तरह से ये हमारा प्रोजेक्ट काम करेगा। इस प्रोजेक्ट को बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं।